अगर आप यहाँ से गिर के गए ना, मरे ना, तो सच बोलता हूँ आपकी बॉडी भी नहीं मिलेगी। ये अंकल आंटी कहाँ से आए हैं मैं पूछ के बताता हूँ आपको, लेकिन जो भी है बहुत रोमांटिक है ये लोग। तो आप यहाँ पे आओ तो थोड़ा उसको सबक सिखाना यार। सबसे फर्स्ट साड़ी पहन के नहीं आना है अगर आप, सेकेंड अगर आपको लगता है कि आपका साइज ओवर वेट है, तो दोस्तों आज हम लोग आए हैं चेरापूंजी में और आज का जो डेट है 2 मार्च 2018 और आज है होली इंडिया में। तो वैसे हम लोग अपने कॉलेज में, मैं तो बहुत दिनों से होली खेला नहीं हूँ और शायद ये बार भी रहता तो नहीं खेल पाता, इसीलिए आ गया आज चेरापूंजी अपने दोस्तों के साथ। मेरे दोस्त लोग पीछे में हैं। तो हम लोग का 2 दिन का पूरा ट्रिप है, आज रहेंगे और कल डॉकी वगैरह जाना है, जो क्लीनेस विलेज वगैरह वहाँ पे हम लोग को जाना है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैं आपको जितने प्लेसेस हैं यहाँ पे सारा दिखाऊंगा, उन टैक्सी का प्राइस और कहाँ में स्टे करना है, कौन कौन से जगह आप जा सकते हो घूमने के लिए, होटल्स वगैरह, A to Z मैं आपको अभी सब बताने वाला हूँ। और जो टैक्सी हम लोग बुक किए हैं 2 दिन के लिए, जो कि चेरापूंजी घुमाएगा, चेरापूंजी का जितने आसपास में एक दिन में जितना कवर हो पाएगा उतना, और दूसरा डॉकी और वहाँ के आसपास जितना है, और उसके बाद क्लीनेस विलेज वगैरह, तो 4500 रुपीज़ में हम लोग बुक किए हैं। ओके 4500। मैं उनका नाम और उस टैक्सी का नंबर और फ़ोन नंबर सारा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो अगर आपको आना है तो। और ट्रस्ट मी, यहाँ आने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ मैं स्टे करने की या फिर जो भी है बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है एल्विन मैथ्यू, मैं उससे कुछ दिन पहले मिला था, वो बंदा अकेले आया था केरला से और यहाँ में लाइक शिलोंग में 1 वीक के जैसा रहा और घूमा। तो उसी से मुझे कुछ इंस्पायर मिला कि मैं भी घूम सकता हूँ, मेरे फ्रेंड्स लोग यहाँ पे है, वो तो अकेले आके घूम सकता है, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों नहीं घूम सकता है। ओके तो उसने ही मुझे हेल्प किया यहाँ क्या, तो कुछ पहले उसने बताया कि कहाँ स्टे कर सकते हैं, क्या कैसे है। तो पहले तो बहुत डर लग रहा था मुझे कि कहाँ स्टे करूँगा, बट हाँ अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ में, लाइक वैराइटीज ऑफ होम स्टे है, होटल्स है, रेस्टोरेंट है, आप इजली जाके वहाँ पे रुक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 by 1 मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ, जस्ट स्टे विथ मी। और जैसा कि मैंने आपको बोला था अभी स्टार्ट हुआ है, एक एक करके मैं आपको सारा आप शिलोंग में जितने प्लेसेस हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक एक करके। तो फर्स्ट अभी चेरापूंजी, कल डॉकी और जितने प्लेसेस शिलोंग में मैं कवर कर पाऊँगा। ओके तो यही है, कल होली खेलेंगे वहाँ पे डॉकी में, क्योंकि यहाँ में नदी वगैरह नहीं है, डॉकी में अच्छा नदी है, वहाँ में बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी स्पॉट पे, लाइक 6-7 जगह मैं आपको चेरापूंजी में दिखाऊंगा कहाँ कहाँ। जो केव है वहाँ में जाना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट, उसमें तो जाना ही जाना है। ओके तो मिलते हैं आपसे वहीं। तो सबसे पहले जब आप आओगे चेरापूंजी के साइड में तो आपको मिलेगा डैम्पेप, ओके DYMPEP डैम्पेप, और ये अराउंड आधा 45 मिनट्स लगेगा मेन शिलोंग से यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, आप देख लीजिए यहाँ से आप डाउन जा सकते हैं, ये जो देखना है देख सकते हैं, और एक छोटा सा यहाँ में रेस्टोरेंट टाइप है, अगर आपको नाश्ता वगैरह करना है, कुछ खाना वगैरह खाना है तो आप यहां से खा सकते हो। तो अभी चेरापूंजी जाने में अराउंड 1 आवर और लग जाएगा, तो जो मेन प्लेसेस है चेरापूंजी में मैं आपको वो घुमाऊंगा। ये मेन प्लेसेस पे नहीं आता है, ये जस्ट एक रास्ते में एक पॉइंट है, डिम्पेप सोहरा, और कुछ कुछ यहाँ में एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स वगैरह दिए हुए हैं, आप देख सोहरा इज इनकम्प्लीट विदाउट विजिटिंग जीवा झील, मतलब आपको जीवा झील जाना होगा तभी आपका ये कम्प्लीट होगा, इन्होंने लिखा है, अच्छा जगह होगा, अभी मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, जाते हैं देखते हैं क्या कैसे हैं। और यहाँ मैं नीचे में दिखा देता हूँ, तो आप देख लीजिए आप यहाँ से डायरेक्ट नीचे जा सकते हैं, जिधर से जाते हुए
और पूरा कुछ ज़्यादा दूर तक नहीं है और यहाँ से उतना व्यू काफ़ी अच्छा भी नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट चेरापुंजी में जाएंगे और वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। बट फिर भी मैं आपको कुछ शॉट्स दिखा देता हूँ। और यहाँ में ये लोग गन्ने, क्या बोलते हैं, मक्के वगैरह बेच रहे हैं, मेज। और यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, वेट, अपने पीछे कैमरा में अभी स्विच करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ का व्यू यही कुछ है। ओके, और आप यहाँ से व्यू देख लो, आप कुछ वहाँ तक जा सकते हो। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो लास्ट पॉइंट वहाँ है, वो देख लीजिए। तो हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं वैसे, लोग यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं वह कबा फॉल्स, स्पेलिंग WAHKABA, वह कबा फॉल्स। मालूम नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ कि नहीं, जो है जैसा है देखते हैं। अभी हम लोग नीचे जाएंगे, यहाँ लास्ट लोकेशन से 20 मिनट्स के आसपास है, काफी मस्त व्यू है यार, आप देख सकते हैं। और अभी अभी हम लोग नीचे जाएंगे यहाँ पे, तो नीचे जाके देखते हैं क्या है कैसे है। तो यहाँ अंदर जाने के लिए पर हेड 10 रुपीज़ देना होता है, तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो। और शूटिंग के लिए लिखा है 2000 रुपीज़ पर डे, तो वो शूटिंग नहीं, हम लोग जैसा ब्लॉग बनाना है या फिर कैमरा ले जाना है उसके लिए कुछ नहीं लगेगा, आप जा सकते हो। तो देख लीजिएगा यहाँ में, अभी जाते हैं नीचे और देखते हैं। ये शूटिंग इस पर कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, कुछ नहीं लगता है। आप पर डे आप लाइक फिल्म शूटिंग करना चाहते हो तो 2000 रुपीज़ लगेगा, वैसे तो नहीं लगने वाला है। तो चलते हैं नीचे और देखते हैं। तो आप वहाँ पे देख सकते हो, ये है सेल्फी डेंजर जोन। मतलब हुआ क्या है कि यहाँ पे लोगों ने सेल्फी लेते लेते उधर गिर गए हैं, उस साइड आप देख लो, इस साइड से आदमी लोग उधर डायरेक्ट खाई में गिर जाते हैं। तो आप प्लीज़ केयरफुल रहना जब भी आना यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए, वरना गिरोगे तो फिर आपकी वो भी नहीं मिलेगी, बॉडी भी नहीं मिलेगी, ट्रस्ट मी। इतना डाउन में कौन जाएगा यार लाने के लिए, तो इसीलिए ये है सेल्फी डेंजर जोन। बहुत बहुत आदमी लोग का यहाँ में गिर चुके हैं, इसीलिए इसको यहाँ में सेल्फी लेना स्ट्रिक्टली अलाउड है, बट ऑन योर ओन रिस्क। तो दिखाता हूँ मैं नीचे का व्यू कैसे है। काफ़ी शांत है यार, काफ़ी शांत है। अगर आपको पीस चाहिए ना तो आप यहीं पे आओ, यहीं पे कैंप लगाओ और सो जाओ। तो मैं नीचे का व्यू दिखाऊंगा आपको फ्रंट कैमरा के थ्रू। जो वह कबा फॉल्स है जो यहाँ में, तो आप देख लीजिए यही है। ओके, वैसे अभी बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई ना, तो आप यहाँ पे अगर मानसून सीजन में आते हो तो काफ़ी अच्छा फॉल्स होगा। वैसे अभी के लिए तो बस यही है, बट डोंट वरी, व्यू जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गहरा है, काफ़ी गहरा। मेरे कैमरे से मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं अभी ये मोबाइल से बना रहा हूँ और आप जानते हो मोबाइल का कैमरा कैसा होता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, तो आप देख लीजिए जो काफ़ी डाउन है। अभी हम लोग बहुत नीचे आ चुके हैं और ये एक ट्रैक आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक मेरे कैमरा से दिखाई हो, क्योंकि मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो ट्रैक है यही वो वाटरफॉल्स का ट्रैक है, बट अभी क्योंकि मानसून सीजन नहीं है इसलिए पानी काफ़ी कम है। लेकिन जो मैंने आपको ऊपर दिखाया वो मेन फॉल्स नहीं था, मेन फॉल्स अभी और नीचे है, तो मैं आपको जाके नीचे दिखाता हूँ। असली जो फॉल्स है, क्या नाम था, वह नका फॉल्स, तो मैंने जो ऊपर दिखाया था वो नहीं था, वो फॉल्स देख लीजिए ये है। कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं, दिख ही रहा होगा। तो देख लीजिए कितना अच्छा व्यू है, यहाँ से कूद के मर जाने का मन कर रहा है। ओके, और दिखाता हूँ मैं, देख लीजिए कितना नीचे है यहाँ में। अगर आप यहाँ से गिर के गए ना, मरे ना, तो सच बोलता हूँ आपकी बॉडी भी नहीं मिलेगी, ट्रस्ट मी। इसीलिए वहाँ पे लिखा था कि
सेल्फी डेंजर पॉइंट, काफ़ी स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने रिस्क पे। वो क्या एक गाना आया था ना, सेल्फी मैंने ले लिया आज, वैसा वाला नहीं। तो काफ़ी अच्छा व्यू है, सेल्फी मैंने ले ली आज, अब हो गया मेरा लास्ट। तो इसके बाद अभी कहाँ जाना है मैं बताऊँगा आपको, अपडेट देते रहूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। तो आप देख लीजिए हम लोग यहाँ वह कबाब फॉल्स में आए थे, तो हमें कुछ अंकल आंटीज लोग मिल गए, तो हम लोग होली यहीं में खेलिए। वैसे आज है 2 मार्च और आज होली है, तो होली पे हम लोग अपने यूनिवर्सिटी में नहीं खेल रहे हैं। हम लोग आए थे आज घूमने के लिए, लेकिन रास्ते में कुछ अंकल आंटीज लोग मिल गए, तो हम लोग उनके साथ होली खेल रहे हैं। देख लीजिए तो आज होली काफी अच्छा मन गया यार। अगर हम लोग कॉलेज में रहते तो ऐसा होली नहीं मनता, ट्रस्ट मी। अननोन लोग के साथ में जो होली खेलने का मजा है, वो आई थिंक अपनों के साथ भी नहीं है। तो यही है, देख लीजिए आप सभी को। ये अंकल आंटी कहाँ से आए हैं मैं पूछ के बताता हूँ आपको, लेकिन जो भी है बहुत रोमांटिक है ये लोग। ओके, बहुत ज्यादा रोमांटिक, काफी मस्त है। अभी हम लोग आए हैं नोह कालिका फॉल्स, और यहाँ में एंट्री फीस जो था वो पर हेड 10 रुपीज़ था, और कैमरा के लिए एक्स्ट्रा 20 रुपीज़ आपको देना पड़ता है। ओके, तो जो वहाँ में जो बंदा जो पैसा कलेक्ट कर रहा था, उसका जो नेचर था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं पड़ा। टूरिस्ट लोग से कैसे बात करते हैं, इंसानों से कैसे बात करते हैं, थोड़ा भी तमीज़ नहीं था उसको। ओके, तो यही एक मुझे वहाँ में थोड़ा डाउन पॉइंट लगा। और लेकिन अंदर जाके देखते हैं क्या कैसे है, तो आप यहाँ पे आओ तो थोड़ा उसको सबक सिखाना यार। मिलते हैं आपसे। तो नोह-कालिका फॉल्स में क्या क्या है, वैसे ये है चेरापूंजी में एक सोहरा है, मेन हो गया चेरापूंजी, उसके अंदर सोहरा और उसके अंदर नोह-कालिका फॉल। ओके, एक्साइटिंग व्यू पॉइंट एट नोह-कालिकाई। सोहरा में है ये, तो नीचे जाके देखते हैं यहाँ का व्यू कैसा है। वैसे मैंने आज बहुत बुरा वाला कैमरा लेके आ गया है, एक्सपोजर वगैरह मिल नहीं रहा है मुझे, स्टिल जो जितना हो सकता है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, यहाँ में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो काफ़ी संभल के जाना पड़ेगा, एक हाथ में वीडियो और एक हाथ में ये नहीं हो पाता है। वैसे होली तो बताया ही मैंने, वहाँ खेल चुके हैं वो अंकल आंटी लोग के साथ में। और मैं दिखाता हूँ आप अपने रियर कैमरा से व्यू, तो आप वो देख सकते हो, वही है नोह-कालिकाई फॉल्स। तो उतना नीचे मैं आज नहीं जाने वाला हूँ, तो आप यहीं से देख लीजिए क्या कैसे है, वरना अगर नीचे जाऊँगा तो फिर ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी बहुत घूमना है तो एनर्जी यहाँ पे सारा लॉस तो नहीं कर सकता हूँ। आप आओ तो जाओ जरूर, ओके, लेकिन मेरे में तो इतना एनर्जी नहीं है अभी। काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी टूरिस्ट लोग हैं, मुझे तो ऐसा लगा कि आज होली है तो कुछ ज़्यादा आदमी नहीं आएंगे घूमने के लिए, बट स्टिल बहुत आदमी आए हैं। आजकल होली शायद कोई नहीं खेलता मुझे लग रहा है ऐसा, बट स्टिल हम लोग खेल चुके हैं। वो अंकल आंटी हम लोग मिले थे उनके साथ, और नीचे तो नहीं जाने वाले हैं। मिलते हैं अब डायरेक्ट नेक्स्ट पॉइंट पे, चलिए चलो। वाटर के बीच, पानी के बीच में देखिए कहाँ है, नोह-कालिकाई। मैं बार बार प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको यहाँ कुछ खरीदना है तो काफी अच्छा हैंडमेड चीजें हैं, के हैंडीक्राफ्ट चीज़ें लोग हैं, आप यहाँ से खरीद सकते हो। प्राइस वगैरह मैं नहीं पूछने वाला हूँ क्योंकि मुझे तो खरीदना है नहीं, बट स्टिल अगर आपको खरीदना है तो बहुत सारे वैरायटीज हैं। हनी भी मिलेगा, एकदम प्योर हनी, तो आप वो भी खरीद सकते हो।
मे बी वहाँ मैं कुछ मिक्स कर दिया हूँ, लेकिन वैसे ये प्योर हनी ही होता है, तो आप वो भी खरीद सकते हो। और हैंडमेड में आपको देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पे। तो पॉकेट में पैसा लेके आना अगर ये सब खरीदना है तो, काफ़ी कॉस्टली है और ज़्यादा नेगोशिएट भी नहीं करते हैं ये लोग। ओके, ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं होता है यहाँ पे। देख लीजिए, हनी दिखाता हूँ मैं आपको, ये प्योर हनी है। और नोह-कालिकाई फॉल्स में इतना ही अभी के लिए। वहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि नोह-कालिकाई फॉल्स क्या है, कैसे है, तो उसके बारे में देख लीजिए। उसके बारे में मैं आपको रुकिए हिस्ट्री बताता हूँ, पहले मैं खुद पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ का जो हिस्ट्री है काफ़ी लंबा हो जाएगा पढ़ने के लिए, मैं आपको इसका एक फ़ोटो डाल दे रहा हूँ, आप देख लेना क्या कैसे है। अभी मैं आधा पढ़ा, मुझे लेट हो रहा है। एक्चुअली वन डे में आप पूरा चेरापूंजी नहीं घूम सकते हो, मिनिमम 3 डेज लगेगा, लेकिन हम लोग सिर्फ वन डे का प्लान करके आए हैं कि हमें जाना है, इसलिए जितना जल्दी हो पा रहा है उतना जल्दी कर रहे हैं। हम लोग डाउन भी नहीं गए, ऑलमोस्ट 1/4 से वापस आ गए। ठीक है, देखिए ये लोग अपना डायलॉग मार रहे हैं, तो डायलॉग को इग्नोर। ओके, तो इसका फोटो मैं वैसे डाल दे रहा हूँ, आप देख लेना। अभी हम लोग आए हैं इको पार्क, ये चेरापूंजी में ही है। ओके, इसमें भी एंट्री फी पर है 10 रुपीज़, और अगर आप गाड़ी लेके आते हो तो 20 रुपीज़ गाड़ी के लिए देना होगा, फॉर कार एंड ऑल। और आप यहाँ पे आके अगर घर से कुछ खाना वगैरह लेके आए हो तो आप यहाँ भी खा सकते हो, या फिर यहाँ में होटल वगैरह है, आप यहाँ पे जाके रिफ्रेश हो सकते हो, खा सकते हो। और छोटा सा एक पार्क है पीछे, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे पार्क बन रहा है, तो हम लोग अभी खाना लाए थे अपना हॉस्टल से ही, हम लोग वो खाएं। और मैं आपको पार्क दिखा दे रहा हूँ, अभी का इतना अच्छा नहीं हुआ है वो पार्क, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। ओके, और यहाँ में जो है होटल, आप यहाँ में खा भी सकते हो, चिल करने के लिए अच्छी जगह है, यहाँ में बैठो वगैरह वगैरह, देख लीजिए। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी यहाँ पे भी लिखा है कि ये सेल्फी डेंजर पॉइंट है, आजकल हर जगह लिखा हुआ है, मतलब काफ़ी रिस्क हो जाता है ना, तो यही है। तो ये हम लोग का 3rd या फिर 4th प्लेस है आज का। अभी मेजर प्लेसेस मैंने तो आपको दिखाए नहीं, अभी मैं मेजर जितने प्लेसेस है वो सब आपको दिखाने वाला हूँ। तो फाइनली 3-4 जगह घूमने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं एक ये होम स्टे, जिसका नाम है पैतेंग होम स्टे। पैतेंग था ना एग्जैक्टली क्या था मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनका फ़ोन नंबर और उनका नाम, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ में 2 टाइप्स के रूम अवेलेबल है, एक जिसमें 2 आदमी रह सकते हैं जिसका प्राइस है 1000 रुपीज़, और एक जिसमें 4 आदमी या फिर 3 या फिर 5 वो लोग एडजस्ट करवा देंगे, जिसका दाम है 1500 रुपीज़ पर डे। तो हम लोग ऊपर में आए हैं, आप देख लीजिए 1500 रुपीज़ देंगे, और वैसे हम लोग 5 आदमी आए हैं तो 5 आदमी यहीं में स्टे करेंगे। वैसे नॉर्मली 3 आदमी स्टे करने देते हैं ये लोग, लेकिन ये लोग बोले कि एक ज़्यादा बेड का अरेंज कर देंगे ये लोग हमारे लिए, तो हम लोग यहीं स्टे करने वाले हैं। तो आई थिंक 1500 रुपीज़ में 5 आदमी अच्छा है, पर हेड 300 रुपीज़ नॉट बैड। और यहाँ फैसिलिटी काफ़ी अच्छा है, यहाँ का जो मतलब हम लोग जिसको लोकल भाषा में कॉन्ग बोलते हैं, लाइक आंटी, तो उनको लाइक काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी होमली इन्वायरमेंट है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी होटल वगैरह में रह रहे हो, ऐसा लगेगा आप किसी घर में रह रहे हो, ट्रस्ट मी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से व्यू दिखाऊं मैं, लाइक ट्रस्ट मी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट व्यू, आपने देखा नहीं होगा, व्यू काफ़ी अच्छा है, मैं आपको अभी व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। तो यहाँ से व्यू देख लीजिए, सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे, ओके पूरा पहाड़ी, फिर वहाँ रहा मेन रोड, काफ़ी अच्छा व्यू है, आप देख लीजिए, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आई डोंट नो
कैमरे में ये सब पूरा कैप्चर हो पा रहा है कि नहीं। वो जो पैटेंग होम स्टे है सामने से कुछ ऐसा दिखता है, आप देख लीजिए। मैं इनका फ़ोन नंबर, एड्रेस और इनका नाम मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और बात रही गाड़ी की, हम लोग कौन सी गाड़ी से आए हैं, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन नीचे में दे दूँगा, क्या प्राइस है, उनका नाम, फ़ोन नंबर वगैरह सब मैं नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक करना। वैसे मैं एक डिटेल बताने वाला हूँ आपको, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताता हूँ। हम लोग अभी आए हैं मॉसमाई केव। ओके, मॉसमाई केव। तो यहाँ में एंट्री फी है वो है 20 रुपीज़ पर हेड, और अगर आप कैमरा लेके आते हो तो उसके लिए 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अंदर जाके देखते हैं कि मॉसमाई केव कैसा है। वैसे अगर आप अगर मौसिन राम आते हैं तो यहाँ आना मस्त है। अभी तक हम लोग जितने प्लेसेस देखे वो लाइक इतने बड़े बड़े प्लेसेस नहीं थे, छोटे छोटे थे। जो मेन प्लेसेस है जो देखना लाइक मस्त है वो ये, उसमें से एक ये है। तो अंदर जाते हैं और देखते हैं कैसा है। बस इतना ही है ना, भीतर और है। ओ अंदर है, किधर से जाना है अब? वो उधर से, हम सोचा खत्म हो गया। वो देखना वहां में आराम से, हाँ नहीं तो लग जाएगा। तो आप जैसे देख सकते हो हम लोग मॉसमाई केव के अंदर में आए हुए हैं, और ये लाइक मुझे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कि ये ऐसा होगा। ओके, जो हाइट है, अगर आप बहुत लंबे हैं तो मत आइए, और अगर आप बहुत मोटे हैं फिर भी मत आइए। अगर आपका आपको लगता है कि आप एक एवरेज इंसान हो फिर आओ, वरना मत आओ। काफ़ी अंदर में कंजस्टेड है यार, और लड़कियाँ तो एकदम मोटी वाली लड़कियाँ तो आना भी मत। ओके, साड़ी पहन के भी आने का, हाँ, और जो साड़ी पहन के आया है वो भी प्लीज़ मत आइए, सलवार कमीज पहन के आइए या फिर जीन्स वगैरह लगा के आइए, वरना मुश्किल है, आधा रास्ता से रिटर्न होना पड़ेगा। तो करते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये केव में आने से पहले कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको लेने पड़ेंगे। सबसे फर्स्ट, अगर आप एक लड़की हो तो साड़ी पहन के मत आना, और हील्स तो एकदम भूल ही जाना, जूता पहन के आओ, चप्पल भी नहीं। और अगर लगता है कि आपका साइज ओवरवेट है देन प्लीज़ डोंट कम, एंड अगर लगता है आपको बहुत टॉल हो वो मैनेज हो सकता है, लेकिन जो मोटे लोग हैं आई थिंक कोई कोई ऐसा कंजस्टेड जगह है वहाँ पे आप मैनेज नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। और काफ़ी अंदर में काफ़ी अच्छा है, इतना इतना पे है जो केव से, इतना इतना पे है। तो जो मैं अराउंड 5'7" का हूँ, तो जो लंबे हैं तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। वैसे काफ़ी अच्छा लगा अंदर में, बल्ब वगैरह लगाए हैं अंदर में देखने के लिए, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग अभी आए हैं 7 Sister Falls। ओके, तो अभी जो आने का समय है 7 Sister Falls में वो सही समय नहीं है। अगर आपको आना है तो आप आओ मानसून सीजन में जब बारिश हो रही होंगी। अभी बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है, तो यहाँ में अभी एक भी फॉल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक भी, 7 है ना, एक भी देखने को नहीं मिलेगा। और उस साइड आपको अगर बाथरूम वगैरह करना है तो बाथरूम वगैरह उधर में है, टॉयलेट वगैरह उधर में है। और 7 Sister Falls के नाम पे यहाँ पे अभी आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वैसे अगर मेरे कैमरा में मैं आपको जितना दिखा पाता हूँ मैं दिखाऊँगा, देख लीजिए उधर की जो साइड है उधर में ही 7 Sister Falls है, लेकिन अभी एक भी नहीं दिख रहा है, एक भी नहीं दिख रहा है मेरे कैमरा में भी, कुछ नहीं दिखेगा बिकॉज ऑफ दिस इज अ मोबाइल कैमरा। और कुछ नहीं है, फिर भी मैं एक थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ व्यू, अगर हो पाता है तो। ओके, तो इससे पहले मैं आपको कुछ दिखा दूँ, यहाँ पे कुछ है तो लाइक बाइनोकुलर्स वगैरह भी यहाँ पे मिल रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको 10 रुपीज देना है और आपको बाइनोकुलर्स मिल जाएंगे यहाँ।
what you can see from here, it's village and बाइनाकुलर्स को यूज नहीं किया है, वो जो दुर्गा पूजा के मेले में बाइनाकुलर्स मिलते हैं ना, मैंने वो यूज किया था। तो आज शायद रियल वाला बाइनाकुलर्स मैं यूज करूंगा, देखते हैं कैसा लगता है। सिर्फ 10 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है, तो यू कैन यूज दैट। आपको कुछ गाँव वगैरह दिखेंगे, Ronald. So his name is Ronald. 10 rupees for binocular seeing. Okay. So I am going to use that. You take this. Yes, money. Okay. Still it with kind of something. Ananya. Oh, neither. क्या दिख रहा है? बस्ती है क्या? ये बाइनाकुलर्स तो यूज करने नहीं आ रहा है, आई डोंट नो कैसे यूज करते हैं इसे। तो मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है इससे, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ऐसा बात नहीं कि नहीं दिख रहा है। आई डोंट नो ना हाउ टू यूज, कैन यू प्लीज एडजस्ट मी एंड गिव मी। तो 10 रुपये लगता है, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। वैसे इससे पहले जो दुर्गा पूजा में जो बाइनाकुलर्स मिलते हैं ना 50 रुपये का, मैंने वो यूज़ किया था, आज रियल वाला यूज कर रहा हूँ। दुर्गा पूजा बाइनाकुलर्स यू नो 50 रुपीज कुछ नहीं कौन तो अगर फूड क्वालिटी की अगर हम बात करें यहाँ पतेंग होम स्टे में, तो 5 में से मैं 4.5 मार्क्स दूंगा। और यहाँ में वेज है तो सिर्फ 70 रुपीज लेता है ये लोग, और देख लीजिए अपने घर में खिला रहे हैं ये लोग। एक सब्जी था, एक आलू पीटी का था और एक टमाटर की चटनी थी, चावल था, दाल था और पापड़ थे। काफ़ी अच्छा था, 70 रुपीज़ में काफ़ी पीसफुल खाना मिलेगा आपको। अगर आप होटल में जाके यही खाओगे तो पहले तो बहुत सारा हल्ला गुल्ला वहाँ में होगा, इतना पीसफुली आप खा नहीं पाओगे। दूसरा जो क्वालिटी, घर का जैसा क्वालिटी तो आपको मतलब इम्पॉसिबल है मिलना। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर यहाँ आते हो तो यहीं खाओ। नॉन वेज 100 रुपीज़ एंड वेज 70 रुपीज़। तो फूड के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बार। बाय द वे, योर बिंदी इज ऑन योर वीडियो। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और डेट है 3 मार्च 2018। तो आज हम लोग वैसे डॉकी के लिए जाने वाले हैं, तो इसका ब्लॉग मैं नेक्स्ट बनाऊंगा। और आज का जो ब्लॉग था मतलब कल का चेरापूंजी वाला, मैं उसको यहीं पे फिनिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। टैक्सी का नंबर यहाँ पे मैं जहाँ स्टे कर रहा हूँ इसका नंबर, एड्रेस वगैरह मैं सब अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो रूम में रह रहा हूँ उसका एक रूम का मैं फ़ोटो भी लगा दूँगा, ताकि आपको मालूम चल जाए कि रूम की क्वालिटी वगैरह कैसे है। और बात करें अगर खाना की, तो खाना लाइक मैं बोला कल रात को ही बोला था, वन ऑफ द बेस्ट है 70 रुपीज़ में, और इससे अच्छा तो नहीं मिलेगा। होमली फूड एकदम शांति में, और जितने जितने प्लेसेस मैं गया सबको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, टैक्सी वगैरह सब उसके लिए डोंट वरी। अभी आज से स्टार्ट होगा डॉकी का ट्रिप, सिर्फ आज ही होगा, रात को कुछ स्टे करने का नहीं है, डायरेक्ट हॉस्टल जाएंगे। तो ये ब्लॉग यहीं फिनिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।